सर नमस्कार, मैं अखिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्कोप टारगेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। ठीक है, तो चलिए पहले उसको निकालते हैं एक्सरसाइज 2.4 को, उसके बाद आपसे बताते हैं कि ये पूछा क्या गया है। तो जैसे कि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है 2.4 का बेसिक लेक्चर जो कि फैक्टर थ्योरम था, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको जाइए देख लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। देखिए अब इसमें बोला है कि यूज़ द फैक्टर टर्म फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इसमें बोला है कि हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके बताओ कि जो है जी एक्स जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जी एक्स हमारा ये रहा और पी एक्स हमारा ये रहा। ठीक है, फैक्टर तो फैक्टर मतलब क्या, ज़ीरो आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है, बोला गया इसमें फैक्टर थ्योरम कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में वही है, दिक्कत और कुछ नहीं है, पी एक्स वाला ही है। ठीक है, पी एक्स और जी एक्स के बारे में हमको लिखना है। तो देख लेते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा, पी एक्स लिखा गया क्वेश्चन नंबर टू पार्ट 1 है, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पी एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू 2x cube प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 1। अब दिया हुआ है इसमें जी एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, जी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है हमको x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, अगर आपने हमारा जो 2.2 है, जो आई थिंक 2.3 शायद है, 2.3 जो लेक्चर है वो आपने देखा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि इसके दो तरीके थे, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना था, एक तो शॉर्ट डिवीजन मेथड से करना था। देखिए आपको जब क्वेश्चन की जरूरत होती है तो हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन हमको हम इसी मेथड से कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारा जी एक्स के इक्वल, हम जी एक्स को हम जीरो रख देते हैं, जी एक्स को हम जीरो रख लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा जीरो आ जाता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो पी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो p ब्रैकेट में माइनस 1 रख देंगे। अब जहाँ जहाँ है x, जहाँ जहाँ x है उसको हम माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे उसको रिप्लेस करते हैं, तो ये रहा यहाँ पे 2 ब्रैकेट में माइनस 1 का क्यूब, न पावर छेड़नी है न कुछ छेड़ना है, बस आपको x की जगह पे माइनस 1 रख देना है। ठीक है, न कोई साइन छेड़ना है न कोई वो करना है, बस रख देना है। तो देखिए माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और देखिए माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आएगा, तो यानी 1 छोड़ दिए। अब देखिए माइनस वन इधर भी है, तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का 2 आ गया, माइनस 1 इधर से आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस वन से प्लस वन कट गया। ठीक है, तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ भैया ये फैक्टर है, यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड बोल रहा है, पार्ट सेकंड क्या कर रहा है, पार्ट सेकंड ये रहा हमारा, पार्ट सेकंड बोल रहा है कि पी एक्स की वैल्यू दी हुई है हमको, पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, पी एक्स की वैल्यू दी हुई है कि x की पावर 3 प्लस 3x² + 3x + 3x + 1। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू दी हुई है, जी एक्स की वैल्यू दी हुई है x + 2। अब देखिए आपने अगर ध्यान दिया होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, उसमें आपको एक दिया गया था कि जी एक्स दे दिया गया था, एक थे यानी कि x प्लस 1, और बाकी सब अलग अलग क्वेश्चन दे दिए गए थे कि आपको बताना था कि फैक्टर है या नहीं है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक अलग अलग जी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो बस करने का तरीका हमारा वही रहेगा, तो जी एक्स को हम रख देंगे 0 के इक्वल, और एक्स प्लस 2 हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू अगर माइनस 2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, बस उसी को उठा के यहाँ पर रख देना, तो माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे पी की वैल्यू, तो माइनस 2 का क्यूब करना पड़ेगा हमको, फिर 3 माइनस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, प्लस 3 माइनस 2 छोड़ देंगे, इसी तरह प्लस 1। आई होप आपको सारा कुछ दिख रहा होगा यहाँ से बोर्ड से। ठीक है, तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा,
पावर इवन पावर ऑड में है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 3 4 जो 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन माइनस की बात करें तो पावर जो है इवन में है इसलिए पॉजिटिव बाहर आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये माइनस तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, 3 2 6 हो जाएगा, लेकिन जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1 आ गया इधर, ठीक है। अब देखते हैं ये कटने लायक आपको दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको देख लेते हैं। प्लस वाली पार्टी एक तरफ कर देते हैं और निगेटिव वाली पार्टी एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो 12 1 13 हो गया, ठीक है, और ये 8 5 13 1 14 हो गया, 8 5 12 1 13 हो गया, 8 5 13 1 14 हो गया, ठीक है। तो ये 14 हो गया, 13 में 14 जाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है। माइनस 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो बोल देंगे कि हियर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। चलिए मैं लिख के बताता हूँ हियर, ताकि आपका ये जो है नोट्स बनता रहे, जो कि आपका क्लास का नोट है वो भी बन जाएगा इससे, और जो आपका सॉल्यूशन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हियर जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ, साथ में लिखते भी जा रहा हूँ, डिटेक्ट भी करता जाता हूँ ताकि आपको सुन के भी लिख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं इसमें, अब आखिरी क्वेश्चन ये देखिए, ये जी एक्स पहले का था, ये जी एक्स सेकंड का है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लिया होगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आराम से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ओ कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब है, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, और माइनस 4 एक्स, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स प्लस 6। जी एक्स की वैल्यू दी हुई, जी एक्स की वैल्यू दी हुई है हमको एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन में लगता है एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, इसमें दिया गया आपको पी एक्स, तो इसमें हम इसमें भी हमारा वही सिस्टम रहेगा, जी एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 0 के इक्वल, तो एक्स माइनस 3 आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू हमारा 3 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो आप देखते हैं, तो पी जो है उसको 3 के इक्वल रख देंगे, तो 3 का क्यूब कर देंगे, तो सॉरी 3 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 4, फिर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 3 प्लस 6 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 3 का क्यूब 3 9 9 3 27 होगा, साइन का कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि पॉजिटिव अंदर पॉजिटिव वैल्यू अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 3 9 और 9 4 36, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 36 लिख दीजिए, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। अब देखिए प्लस वाली पार्टी एक तरफ, माइनस वाली पार्टी एक तरफ, यानी 7 3 10 6 36, तो 36 इधर भी आ गया, 36 इधर भी आ गया, तो ये इससे पॉजिटिव से निगेटिव कट गया, आंसर आ गया 0, यस हियर। चलिए आप इधर भी लिख देते हैं, हियर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा।